जो भी हो, उस वक्त गुजरात मॉडल से काफी सारे लोग इम्प्रेस हुए थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के बजाय बीजेपी को भी एक मौका दिया। रिसेंटली किसान आंदोलन में भी कुछ भाई आए हुए हैं जो नरेंद्र मोदी जी के गुजरात मॉडल से कुछ खास सेटिस्फाइड नहीं लग रहे। मैं गुजरात से आया हूँ। मेरा नाम प्रोफेसर कनु खड़दिया है। मैं राष्ट्रभाषा कॉलेज अहमदाबाद में पढ़ाता था, अभी रिटायर हो गया हूँ। अभी प्रिंसिपल थे। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि गुजरात मॉडल कह के उसने अभी तक सबसे बड़ा जुमला ही किया है। गुजरात में अभी कोई विकास नहीं हुआ है। गुजरात में अभी सब डिपार्टमेंट का निजीकरण होने जा रहा है। जैसे शिक्षा को पहले निजीकरण किया और बाद में डाक का निजीकरण किया, रेलवे का निजीकरण किया, BSNL का निजीकरण किया, LIC का निजीकरण किया। कौन? मोदी साहब का डिग्री ही झूठा है। मैं आपको ये बताऊँ, वो ग्रेजुएट हुआ ही नहीं है। बिल्कुल उसके एक नहीं, कई मंत्री झूठे, 4-5 मंत्री का पूरा एजुकेशन का डिग्री झूठे। तो अदाणी अंबानी क्यों ये इतना बड़ा बड़ा गोदाम बना रहे? 100 एकड़ जमीन यहाँ हरियाणा में लेके रखा है, तो इतना पानीपत में लिया है, तो इतना क्यों कर रहे हैं वो? अभी तक तो दूसरे धंधे में तो बहुत कमाया, अभी खेती को भी खत्म करने जा रहे हैं और राइट्स करवाए। उसकी आदत है। गुजरात में भी वो पावर में कैसे आए? वो ट्रेन जलाया, खुद ने जलाया, अमित शाह और मोदी ने। गोधरा कांड जो बनाया उसी ने ही बनाया।